नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धार शहर के गुलमोहर कॉलोनी के समीप प्रिंस कॉम्प्लेक्स के पास बाइक सवार तीन लोगों ने भीम भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद शहर में सनसनी फैल गई थी। हत्याकांड की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने भी तुरंत मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की और चश्मदीदों के कहने पर पुलिस ने शकील पिता खलील और उसके अन्य साथियों पर हत्या का मुकदमा दायर किया था। तभी से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी शकील को गिरफ्तार किया तो पूरा मामला खुल गया। दरअसल शकील और भीम भाई के बीच मकान निर्माण को लेकर झगड़ा हुआ था। पिछले महीने की 14 नवंबर को थाना कोतवाली पर मामला पहुंचा था। तभी से शकील भीम भाई की हत्या करने का प्लान बना चुका था। उसने अपने दोस्त जाफर, अपने रिश्तेदार अरशद अरबाज सद्दाम को शामिल किया और फिर भीम भाई को मारने की प्लानिंग के मामले में संरक्षणकर्ता भाजपा के पूर्व पार्षद बाला बागवान को भी शामिल किया। बाला ने आरोपियों को आर्थिक मदद में 50,000 रुपये दिए, हथियार खरीदे। बाला के ही गोदाम पर इस हत्याकांड की प्लानिंग की गई। पुलिस को इनके एक महीने तक के आपस में एक दूसरे के फ़ोन कॉल की डिटेल मिली। पुलिस ने इस मामले में शकील अरबाज अरशद बाला बागवान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जाफर और सद्दाम की तलाश की जा रही है। धार थाना कोतवाली पुलिस ने धारा 302, 34, 120, B, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। भीम भाई नाम के व्यक्ति की का मर्डर हुआ था गुलमोहर कॉलोनी में। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने उसके अलावा जो घटना और रेकी में इन्वॉल्व थे, उसके अलावा प्लानिंग में इन्वॉल्व जो मेन व्यक्ति है बाला उर्फ नौशाद, बाला बागवान जिसको बोलते हैं, उसको पुलिस ने, चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी सद्दाम और जाफर नाम के दो व्यक्ति हैं, वो अभी इस मामले में फरार है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में आपको जैसे घटना का पता है कि ये 8 तारीख की घटना है, शाम विक्टिम को लगे थे और एक मिसफायर हो गया था। इस पूरी घटना में निकल के आया है कि करीब एक महीना 14 नवंबर को एक झगड़ा हुआ था, जिसमें जो मृतक है भीम भाई और शकील के बीच में झगड़ा हुआ था। और उस झगड़े के बाद से इसने ये डिसाइड कर लिया था कि जो है इनके इनका बेसिकली झगड़ा आमने सामने एक छोटे से जमीन के इशू को लेके चल रहा था। कोई कि इसको हमको निपटाना है, जिसमें इसके इसको जो है सबक सिखाना है, बेसिकली ये इनकी प्लानिंग थी। तो इसमें बाला बागवान और इसका जो रिश्तेदार अरशद अरबाज सद्दाम जाफर, ये सभी लोगों का की टीम है जो बाला के जो का जो गोदाम है वहाँ बैठ के इन्होंने बहुत बार प्लानिंग की। और उस प्लानिंग में इन लोगों ने अरशद का जो मेन टास्क था वो रेकी करने का था। तो ये करीब 4-5 दिन पहले से उसको रेकी कर रहे थे। 1 तारीख को धार पुलिस सभागृह में हमारी जो कोतवाली की टीम है, हमारे एडिशनल एसपी देवेन पाटीदार, सीएसपी देवेन दुर्बे और टीआई कोतवाली समीर पाटीदार, इनकी जो टीम है लगातार लगी हुई थी। 8 तारीख को एक मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें भीम भाई नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जिसमें दो लोग मोटरसाइकिल पे आके और उन्हें गोली मार के चले गए थे। उस पूरे प्रकरण में पुलिस ने आज मामले का खुलासा करते हुए चार लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें अरशद अरबाज शकली और बाला बागवान, ये चार लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। दो आरोपी सद्दाम और जफर अभी फरार हैं। इस पूरी घटना में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल, वेपन और कुछ पैसा रिकवर किया है। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।